टीकमगढ़ जिले के ग्राम रानीगंज तिगैला निवासी रामसेवक राजपूत का बेटा बीते एक सप्ताह से लापता है। प्रतिपाल सिंह राजपूत का एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया है। पीड़ित पिता ने बताया कि उसका बेटा प्रतिपाल सिंह राजपूत करवा चौथ के दिन चार पहिया वाहन से बाजार गया था, जहाँ से वह नहीं लौटा, जिसके बाद पिता ने थाने में बेटे के लापता होने की सूचना दी। पुलिस को प्रतिपाल सिंह राजपूत की अंतिम लोकेशन ओरछा के सीसीटीवी कैमरे में मिली है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसके बाद शाम को जो है जब लोग रात तकरीबन में द्वार में फोन लगाए लोगों कई लोगों ने जो है उसको लगाया फोन तो उनका फोन बंद जाने लगा। फिर आप जो है उसी तारीख को उसी तारीख को रात में माने साढ़े सात बजे करीब। इसके बाद जो है हमने फोन लगाया तो उनका बंद जा रहा। फिर जो है लगाया हमने मासा को मुकेश जी को, फिर इन लोगों से बात हुई। मुकेश जी बोले हमसे बोले कहने बताओ बहू को लगा के अभी जाना है या सुबह नाइट होगी तो सुबह दे आना। बस जो है सुबह वहाँ साहब बहू को यहाँ से क्या है उन्होंने बताया कि फोन बंद है। दो बार किसी ने वैसे बोले कि अभी हम माने बाजार में हैं। फिर इसके बाद फिर हमने बोला कि आप कितने टाइम में आए। दीदी ने बात कही उनसे, बोले कि हम दो बजे, अब देखो 2:30 बजे, बोले हम फोन बंद जाने लगा, बंद होने वाला है और फोन ना लगा। इन्होंने 2:30 बजे फोन बंद किया, इसके बाद कोई बात नहीं। किसने कहा आपके बंद होने वाला है? हमारे पति। अच्छा अच्छा। हाँ, बोले 2:30 बजे बोले कि हमारा फोन बंद होने वाला है। तो आप इस घटना को क्या मानती, कैसे क्या होगा? मुझे तो कोई पता भी नहीं। हमसे केवल बोले हम एक दो तीन दो घंटा लगेंगे करीब मोबाइल से दावा।